सबसे पहले मंदिरा डिवोर्स किस तरह की फिल्म है ये? ये फिल्म डिवोर्स इन द कन्वेंशनल सेंस ऑफ द वर्ड के बारे में नहीं है. डिवोर्स अगर देखा जाए तो उसका मतलब है सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वन, सेपरेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स. तो ये डिवोर्स है एक बच्चे और उनके माता पिता के बीच. यहाँ कोई भी विलन नहीं है, लेकिन जो माता पिता के जो कैरेक्टर्स हैं, मैं बच्चे के माँ का किरदार निभा रही हूँ, वो अपने करियर्स में, अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं. कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए उतना टाइम निकाल नहीं पाते जितना कि उन्हें निकालना चाहिए. तो जो बच्चा है, ये पूरी फिल्म जो है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से है. तो बच्चा ना अपने माँ बाप की कमी महसूस करता है, और उसका जो बेस्ट फ्रेंड जो बन जाता है वो उसका नेबर है जैकी, जो कि एक लॉयर है. और जैकी से वो डिवोर्स शब्द का मतलब समझता है. और कहीं फिल्म में वो इतना दुखी हो जाता है, वो कहता है कि मैं अपने माता पिता से डिवोर्स चाहता हूँ. दैट इज़ व्हाट इट्स अबाउट. बहुत ही अर्बन फिनोमेना है, बहुत बड़े बड़े शहरों में लोग इसे इसके साथ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ मदर्स और फादर्स दोनों वर्किंग है, और जहाँ वो कन्फ्यूजन, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है कि बच्चे को कैसे संभाले, फैमिली को कैसे संभाले और करियर को कैसे संभाले, वो आता है. तो आप ये ज़रूर समझते हैं कि ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है. मैं बल्कि अपने लाइफ में भी ऐसे महसूस करती हूँ कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत बार समझती हूँ कि मैं अपने घर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने दो डॉगीज़ के लिए उतना टाइम निकाल नहीं पाती जितना कि मैं चाहती हूँ. मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ मैं कौन से शहर में हूँ. सो आई जस्ट फील दैट समवेयर अलॉन्ग द वे वन हैज़ टू ड्रॉ द लाइन. और आपको कहना चाहिए कि मुझे एक बैलेंस ढूंढना है अपने करियर, अपने काम और अपने फैमिली लाइफ के बीच. So anything in particular that really, you know, attracted you towards doing this? जब पहली बार मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे लगा कि देखिए फिल्म बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ऑडियंस की सिंपथी बच्चे के साथ होगी, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस मेरे कैरेक्टर से उनको गुस्सा होगा. लेकिन फिल्म को इतने अच्छे से ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखाया, यहाँ कोई विलन नहीं है. जैसे दिखाया गया, इट्स बिन शोन दैट यू नो that it's she's helpless, nobody is wrong in any way, it's just that the way circumstances make things, you know, not go in the child's favor. To film ko bahut sensitively likha gaya hai, script bahut acche se likha gaya hai. So I like the script very much. I thought it was very sensitive. At the end of the film I had tears in my eyes just reading the script. To mujhe laga ki ye film ek achhi film ban sakti hai, so I wanted to be a part of it. Wish you all the best. Thank you.